आप अपनी बात करते हैं। हम ठीक हैं, इस वीडियो में अपनी बात करेंगे। हम बहुत ठीक हैं। आपने बताया घाव अंदर से जो है वो भर गया। भर गया सर, सच बोल रहे झूठ बोल रहे हो? देख लीजिए, क्योंकि कई देखो कई लोग आपके भरोसे, कहीं ऐसा नहीं कि हम आपको झूठ बुलवा रहे हैं बैठ के, नहीं है ना? नहीं, और आपको कितना विश्वास होगा अगर और कोई शख्स भी इस तरह आके फंस गया अपने पास, तो बड़ा आपके ऊपर बद्दुआ लगेगी। सही, बिल्कुल सही। तो जो भी बात बोलेंगे एक सच बोलेंगे। नहीं नहीं, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं, है ना? अंदर से गाँव घाव आपने बताया भर गया। हाँ, जबड़े से कनपट्टी तक जो दर्द होता था, हाँ ये ऐसे चल जाता था जैसे कुछ कीड़ी से चल रही है। हाँ, जहाँ दर्द हुआ करता था, चींटियां जैसी जहाँ से बदबू आती थी आपको। हाँ, बस मत पस बन गया था। हाँ, है ना? हाँ, तो वो आपके एकदम ठीक होगी दर्द कान से ऊपर तक का? अब कोई दिक्कत है नहीं, ये मालूम होता है कि यहाँ कुछ था। था मतलब? हाँ, वो एक महसूस हो रहा है। हाँ, ठीक है, क्योंकि 15 दिन हुआ सर, 15 दिन में एक जादू सा हुआ आपके साथ। ठीक है, आप वाकई में आपकी वीडियो बड़ी गजब की है, आपके वीडियो पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राधेलाल मिश्रा। राधेलाल मिश्रा जी, रहने वाले कहाँ के आप? रहने वाले लखनऊ से, जो है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो है सटा हुआ है, तो यहाँ से लखनऊ लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं उन्नाव ज़िले का हूँ। आप उन्नाव ज़िले के ना? हाँ। जगह कौन सी है उन्नाव में? असोहा ब्लॉक ग्राम रामपुर। असोहा? हाँ, तहसील पुरवा। पुरवा? हाँ, असोहा ब्लॉक ग्राम रामपुर। ठीक है, आपको टंग में मतलब गाल के पास इन्फेक्शन हुआ आपको, छाले हुए? जी। ठीक है जी, और आपकी आपने जांच कहीं नहीं करवाया? कहीं नहीं कराई, सीधा ही मेरे पास आए। हाँ, वीडियो देखा तो? हाँ, वीडियो। कितने दिन से आपके छाले थे? ये करीब 1 महीना हुआ था। 1 महीने से छाले आपके कंटिन्यू थे जी। ठीक है, अभी अभी एक जस्ट वीडियो बनाया था, उसमें भी उनके छाले थे जी। और उन्होंने कराया, उसमें नहीं आया। हाँ, दोबारा कराया तो उसमें आ गया था। हाँ, तो आपने कोई जांच क्यों नहीं कराया? मुझे भरोसा नहीं था। कारण? जब होती उसके बाद ये जो होता है बहुत तेजी से दौड़ता है। आपको कैसे पता? हमने हमारे एक साथ काम करता था किशोर, वो भी पैर से विकलांग था। अच्छा। बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद 3 महीना 2 या 2.5 महीना केवल चला। अच्छा। हाँ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। उस चीज़ को देखते हुए आप उधर नहीं गए? नहीं गए। और आप कह रहे कि आपने उनका इलाज करवाया? जी। अच्छा अच्छा, तो वो डर आपके अंदर था? हाँ, और देखते भी इसी वजह से अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि हमको ये दिक्कत है। आज तो पता चलेगा? नहीं, अब पता चल गया जब यहाँ से दवा ले गए, आराम मिला। हाँ, फिर ठीक है, तब सबको बताया। तब आप बताया? हाँ, कि भाई पहले अगर मतलब पूरा घर में होता ना कि वो माहौल बिगड़ जाता। माहौल नहीं, हमको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं लखनऊ। अच्छा, तो आपने बताया नहीं? नहीं बताया कि भाई ठीक है, पहले आपने वीडियो देख के सीधा इधर आ गया जी। अब आपको आराम मिला तो उन्होंने पूछा होगा दवाइयाँ क्या खा रहे हो? हाँ, तब उन्होंने पूछा किस चीज़ की दवाई खा रहे हो? तब सारी दवा दिखाई। सारी दवा दिखाई? बताता हूँ, लेता हूँ, नहाता हूँ। अच्छा, इतना परहेज है। हाँ, और वहाँ से दवा है। सारी वीडियो भी दिखाता हूँ आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये जो दीक्षित जी हैं। हाँ, ये तो फेमस हैं। हाँ, इनकी भी वीडियो मोबाइल में आती रहती है। ठीक है, तो लोगों से बताता हूँ। हाँ, बड़ा आपने जो राजीव दीक्षित के प्रति आपकी जो भावना देखी। हाँ, तो उस चीज़ को देखकर आपने मेरे वीडियो को भी आपने समझा कि एक सही जगह है। हाँ, और यहाँ 20 दिन का रिकवरी के लिए आप वीडियो देख के आए थे ना? हाँ जी। ठीक है, कई जगह देखा, कई वैद्य देखे, बैतूल वगैरह सब जगह देखा, लेकिन समझ में नहीं आया, हम यहीं आए सीधा। आप मेरी वीडियो देखकर आपको विश्वास हुआ? हाँ। क्यों, ऐसा वीडियो में क्या देखा? हमको कुछ आपकी बातें और आपका इलाज, जो आप जिस तरह पेशेंट को समझाते हो, ये तरीका किसी के पास नहीं था। मेरे वीडियो में तो किसी को नहीं समझाता, वीडियो में तो हमारी बातें चलती है। वीडियो में तो नहीं, आप बैठा यहाँ पर आके। हाँ, दिनचर्या। तो आप तो वीडियो देख के आए थे ना जी, तो वीडियो में से क्या दिखा आपको? नहीं, वीडियो में दिखा हमको, विश्वास हुआ। हाँ, तभी आए। एक सच्चाई देखी, इतनी वीडियो तो झूठी नहीं होती जी। ठीक, आज आपकी वीडियो बन रही है जी। आपको क्या क्या तकलीफ थी?
जी आपको जो आपको जो डर सताया अंदर से कि मेरे को भी कहीं बीमारी तो नहीं है? दरअसल ये जब भाव हुआ धीरे, आप गुटखा खाते थे? हाँ गुटखा खाते, तो फिर आप तो गलती तो करते थे, राजू दीक्षित को फॉलो करते हो और गुटखा खाते, बहुत बहुत बड़ी गलती हमने की ना, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा नुकसान अपना किया, बहुत बड़ा नुकसान किया जी। राजू दीक्षित को सुनने वाला था, फिर नशा में क्यों जाना, फिर कल को क्या होता, फिर वो उनको बदनाम हुआ ना, उनको बदनाम करना हुआ। लेकिन पहले नहीं सुना सर। अच्छा, ये होने के बाद सुना था जी, ठीक है, तो फिर छोड़ दिया ना, तो सब कुछ छोड़ दिया। उसके खाने की वजह से आपको यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया था जी। अच्छा, अब बदबू तक आने लगी थी, स्मेल भी आने लगी थी, फिर तो आपको जांच में पक्का निकलता। हाँ, वो चींटियाँ भी काटती थी। अच्छा अच्छा, हाँ वो पूरी पूरा हो गया था, हमको एहसास हो गया, बराबर दोनों टाइम ले रहे थे, 100-100 ग्राम ले रहे थे। ठीक ठीक ठीक, लेफ्ट साइड में आपके दांत के पीछे जी दाना था एक जी, आपने बताया हल्का सा जख्म भी था जी, जबड़े से कनपट्टी तक है ना, हाँ, जो दर्द था आपका, हाँ, ऊपर की तरफ था ना, हाँ, ऐसा लगता था जैसे कुछ चीटियां सी चल रही है, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, आपने बताया कि ये जांच आपने करवाई नहीं, और एक छेद बन गया था जबड़े में जी, है ना जी, और पेट कम साफ होता था, ये आपने मुझे बताया जी। ठीक है, और आपको कितने दिन में आपको आराम मिलने लगा मेरी दवाई के? यही 15 दिन हुए अभी, और आराम तो हमको एक हफ्ते में मिल गया था। हाँ, 15 दिन तो आज हुए आपको। हाँ, एक हफ्ते में पूरा आराम, हम अभी दोनों तरफ से खाना खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहले नहीं खा पाते थे? चना चबा लेते हैं, पहले नहीं चबा पाते थे? नहीं चबाते थे। अच्छा, चना गुड़ आज भी लाए हैं, आज भी, अच्छा। रास्ते में क्या खाएंगे, बाहर का खा नहीं सकते, बाहर का हमने मना किया। हाँ, तो आपने गुड़ चना साथ लेके आया। हाँ, आप चना खाने लगे। हाँ, ठीक है, पहले कुछ नहीं खा पाते थे? नहीं, रोटी भी नहीं चबा पाते थे, रोटी इस तरह से चबाते थे। हाँ, वो बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे, मुँह नहीं पूरा खुलता था। अच्छा, हाँ, अब खुलता है, अब तो दो उंगलियां जाने लगी। डाल के दिखाओ। ठीक, पहले ये नहीं जाता, पहले ये नहीं जाता था, अंगूठा नहीं जाता था, नहीं जाता, अब दो उंगली जाती है। ठीक है, तो जिस विज्ञान को आपने सुना था अपने अपने YouTube पर, अपने चैनल को, आज उसका परिणाम आपको 15 दिन में मिला? एक हफ्ते में मिला, एक हफ्ते में, सॉरी 15 दिन में, तो आज आप वीडियो यहां है। जो बीमारी एक हफ्ते में ठीक हो सकती है, तो फिर उसका जो आपने इलाज करवाया था, उसकी जो डेथ हुई, वो भी तो बच सकता था ना, बच सकता था, है ना। आज जिस आयुर्वेद को लेकर बदनाम किया गया लोग, इतनी बड़ी बीमारी आयुर्वेद में ठीक नहीं होगा, अब तो लग रहा ना सर। सर क्या बताएं, अगर कोई कह देता था, मैं जब दंदरुआ सरकार गए थे, डॉक्टर हनुमान, अच्छा, वहाँ एक फौजी थे, उन्होंने मुंह खुलवाया, देखा, जब देखा जैसे ही उन्होंने कहा तुम्हारे ये दिक्कत है, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई कह देता था तो हमारा आस निकलने लगते थे, अब क्या होगा, अब तो गए मैं भी। हाँ, क्योंकि दो केस आपने देख लिए। हाँ, एक तो हुआ जिसके, हाँ, सारे बाल झड़ गए, बिस्तर पर आ गए, और एक आपका जो दोस्त, हाँ, जिसका डेथ हो गया। हाँ जी, दो केस आपके सामने थे जी, तो आपको भी लग गया कि अब तो मौत मेरी आ गई। बच्चों के सामने केवल रोता नहीं था, लेकिन जब दूसरी तरफ हो जाता था तो आंस अपने आप निकल, छुपाते थे अपने आंसुओं को जी, कि अब क्या होगा। बच्चे कितने बड़े आपके? एक बेटी 12 साल की, एक 10 साल की, और भैया जो है बेटा 6 साल का। तीन जिंदगी आपके पीछे और एक आपकी धर्मपत्नी, चार, चार जिंदगी आपके पीछे थी, जो आपको लगा कि अब तो खेल बिगड़ने वाला है ना। अब यहाँ से गए, यहाँ से जाने के बाद कुछ रिलेटिव आए देखने, उन्होंने, उनको विश्वास नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि इसकी जांच करो। हमने कहा नहीं, 20 दिन का तो पूरा इलाज है, उसके बाद जांच नहीं कराऊंगा, सारी बात हम मानेंगे लेकिन जांच नहीं कराऊंगा, उनको भी दिक्कत है। हमने कहा था आपको चलना हो तो चलिए, यहाँ यहाँ से वो अंदर है। अच्छा, हाँ, तब प्यार के तलवे में जख्म। हाँ, छोड़ो, ठीक उनको नहीं हो रहा, उनको छोड़ो सर, आप अपनी बात करते हैं। हम ठीक हैं, इस वीडियो में अपनी बात करेंगे, हम बहुत ठीक हैं। आपने बताया घाव अंदर से जो है वो भर गया, भर गया सर, सच बोल रहे झूठ बोल रहे हो? देख लीजिए, आपने मोबाइल में वीडियो बनाकर डाला भी था। हाँ,
आज देख सकते हैं। अभी दोबारा भी इस दोनों फोटो डालूंगा हाँ, आपके हाँ। क्योंकि कई देखो कई लोग आपके भरोसे कहीं ऐसा नहीं कि हम आपको झूठ बुलवा रहे हैं बैठ के, नहीं है नहीं, ना नहीं। और आपको कितना विश्वास होगा अगर और कोई शख्स भी इस तरह आके फंस गया अपने पास, तो बड़ा आपके ऊपर बद्दुआ लगेगी। सही, बिल्कुल है ना। तो जो भी बात बोलेंगे एक सच बोलेंगे, नहीं नहीं सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं है ना। अंदर से गाव आप घाव आपने बताया भर गया, जबड़े से कनपट्टी तक जो दर्द होता था, हाँ ये ऐसे चल जाता था जैसे कुछ कीड़ी से चल रही हाँ, है जहाँ दर्द हुआ करता था, चींटियाँ जैसी, चींटियाँ जैसी जहाँ हाँ, से बदबू आती थी आपको हाँ, बस मत पस बन गया था हाँ, है ना हाँ। तो वो आपके एकदम ठीक होगी दर्द कान से ऊपर तक का, अब कोई दिक्कत है नहीं, ये मालूम होता है कि यहाँ कुछ था हाँ। मतलब वो एक महसूस हो रहा है हाँ, ठीक है, क्योंकि 15 दिन हुआ सर, 15 दिन में एक जादू सा हुआ आपके साथ, ठीक है। आप वाकई में आपकी वीडियो बड़ी गजब की है, आपके वीडियो पर कोई विश्वास नहीं करेगा, एक लिंक बता रहा हूँ आप जैसे बता रहे हो कि मेरा जख्म ठीक ही हो गया, बदबू आनी बंद हो गई हाँ। मानते हो ना, विश्वास वाली वीडियो लगेगी नहीं आपकी, नहीं विश्वास सब लोग करें जो वीडियो देखे, आपके घर पहुंच जाएंगे लोग, पहुंचेंगे तो बताएंगे हाँ, आपने हम खुद दिन में 2-3 वीडियो यूट्यूब में आपके देखता हूँ, अब आपकी भी कुछ नया हमको मिलेगा हाँ, सीखने को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक डर भी खत्म होता है वीडियो से, आपकी वीडियो भी कई लोग देखेंगे ना तो लोग ऐसे जो है डर खत्म हो जाए, वो भी कई लोग सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, एक गरीब आदमी मानते हैं पैसे वाले तो भैया उनके पास है अब चले जाएंगे जी। और आपके पास तो कहाँ पैसे, आप अगर मान लो जाँच भी कराते हो करते हो तो ऑपरेशन बता देते हैं तो कहाँ से लाते पैसे, जाँच भर का पैसा नहीं। क्या काम करते हो आप? साइकिल बनाते हैं। चलो साइकिल तो अब लोगों के पास इतनी है भी नहीं, कितना पैसा आप कमा लेते होगे कि आपको? हाँ अब इस समय जब यहाँ से दवा ले गया, दुकान भी बंद है हाँ, काम नहीं किया, हमने कहा नहीं काम नहीं करूँगा, पहले ठीक हो जाऊँ नहीं फिर से इन्फेक्शन होगा। आप काम करो, अब करूँगा, आप काम करो ठीक है हाँ, काम छोड़ो अब करूँगा पूरी अपने पता नहीं कि जो जिम्मेवारी है आपके ऊपर ठीक है। अरे एक जबड़े में जो छेद था वो ठीक है, जबड़े का छेद ठीक है, आप ठीक है ठीक है ना, पेट अच्छी तरह से साफ हो रहा है, पेट साफ होता है ना हाँ। और भूख अच्छी लगने लगी आपको? भूख लगती, पहले लगती थी हाँ, पहले इतनी नहीं लगती थी हाँ, डर था एक, आज सुबह 5 बजे से भूख लगी लैट्रीन वहीं स्टेशन पर हाँ। भूख लगी, अमरूद रखे थे हाँ। दो अमरूद खाए, दो अमरूद रेवड़ी का रेवाड़ी रेवाड़ी ठीक है, दो अमरूद खाए, पानी पिया क्योंकि खाने का बाजार में बंद, खाने का मना कर रखा है, आपने चना गुड़ ला रखे है ठीक है। देखो बड़ी खुशी है जी, जिस बीमारी को लेकर आपके अंदर जो आंसू छुप छुप के रोते थे आप कि परिवार वाले ना देख ले, अब आप इस वीडियो में हंस रहे हो है ना, वाकई में एक लगा ना कि नई जिंदगी मिल गई अब तो। आज हमको ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि कल मैं घर से निकला हूँ 12 बजे, तब से अभी तक कोई दवा नहीं हाँ, ऐसे कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हो रही, कोई अब दिक्कत नहीं है, हमारा पेट भी साफ हुआ, भूख भी लग रही हाँ, लग रहा नहीं, एक नई ऊर्जा की तरह हाँ, एक नई जान हाँ, दूसरा जन्म मिल गया आपको हाँ, और जो बताया हाँ, पर बहुत अच्छा काम करता है ये शैम्पू, नहीं इतना काम करेगा, मैं तो बालों में भी लगा लेता हूँ शैम्पू की तरह, और कितना सॉफ्ट बाल हुआ है हाँ, मानते हो ना हाँ, इतना तो साबुन से भी नहीं होता होगा नहीं होता लोग कहते हैं कि से नहाते हो हाँ, ये और हमने देखा आप तुरंत उठाया हाथ धुला, हमारे पास 2 गाय भी हैं देसी हाँ, 2 उनकी बच्चियाँ भी हैं, सेवा करता हूँ पहले से। भाई मैं तो अगर किसी को बोलूँगा नहाता हूं तो लोग बोलेंगे झूठ बोलता है, अब वो लोगों की सोच है, लाखों लुटा देंगे, हुआ कि हमको अच्छा होना, सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमको अब अच्छा होना, अच्छा होना जो आप मतलब आपने बताया है उसको फॉलो करना। एक फीलिंग कैसी आई आपको? फीलिंग अब बहुत अच्छी है, अच्छा जैसे स्किन की जो त्वचा है सब बहुत सॉफ्ट रहती है ना, बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत नरम, जैसे हाँ, एक बच्चे का हाथ छूते हाँ, ना हाँ, हाँ, ऐसा महसूस होता हाँ, है ना बिल्कुल, एक चिकनापन, कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, और ऐसा लगता है जैसे बाकी में एक फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया है ना हाँ। और वैसे शैम्पू साबुन लगाने के बाद तो भाई ऐसा शरीर रहता था, अब तो धूप में जाने का मन भी करता है है ना, पहले ऐसा चिड़चिड़ापन रहता था, बहुत चिड़चिड़ापन था, बहुत चिड़चिड़ापन हाँ। ये एक नया विज्ञान हम लोगों को बता रहे हैं हाँ। अब गायों को सड़कों पर कचरा खाती है जी, भूखी मरती है जी, और देखो इतना कीमती है जी, जो होता ना कि उसका कंपेयर हाँ। कर रहे हो कि भैया मैं तो वो साबुन नहीं लगाऊंगा ना, ठीक है मैं तो अपने बेटे को भी नहा देता हूँ, सच में जी, बेटा नहाता है या गुस्सा होता आपसे? नहीं
कितने कितना उम्र है? 6 साल। 6 साल का बच्चा है। इतने दिन में जब जग जाता है, 3 दिन नहा चुका है। नहा चुका है। हाँ, जब पूजा करता हूँ तो पूजा करने के समय फिर जाता है, पापा तिलक लगाओ। क्या बात। और सही माने में पहले जो हवन होती थी ना, का लेपन करते थे शुद्ध करने के लिए, तो सही पूछो तो नान का मतलब जानते हो, एक पूरी तरह से आपने शरीर को एकदम शुद्ध कर लिया है ना, एक नया जीवन मिला आपको। अगर ये बीमारी ना होती तो आप मेरे तक आते भी नहीं, जी नहीं। तो अब तो बीमारी का शुक्रिया अदा करोगे ना आपका। बीमारी का करो ताकि बीमारी ठीक हुई। बीमारी थी तभी तो मेरे पास आए ना जी। कि अगर बीमारी नहीं होती तो आप वीडियो भी नहीं देखते और मेरे तक भी नहीं आते। चलो आज तो खुशी हुई नहीं सर, आप तो बच गए। बहुत खुशी। वो डर को देखकर आप मंजर हिल जाता होगा। डॉक्टर साहब, हम घर से नहीं निकलते थे पहले, अब बाहर बैठते हैं, सबसे बतलाते हैं, बात करते हैं और सबसे बताते भी। जब कोई कहता है ना, तुरंत मोबाइल खोलता हूँ, वीडियो दिखाते हैं, देख लो डॉक्टर दीपक शर्मा मोबाइल में डालो, देख लेना, ऐसे बोलता हूँ। बहुत बढ़िया, आपको खुशी हुई इस बात को लेकर, जिस चीज़ को आपने वीडियो देखा। और आज लोगों को बचा पाओगे सर आपकी वीडियो भी। अब तो आप अपनी वीडियो दे सकते हैं लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। आज जिस बीमारी को लेकर आपके मन में भय आ गया था कि अब बच्चों का क्या होगा, अब पूरा परिवार एक सदमे में छुप छुप के रोते थे, आज सबके सामने बाहर बैठते हो, जो घर में छुप के बैठते थे आज ओपन में बैठते हो कि भैया आप, मैं तो निकल आया बीमारी से और तकलीफ से, अब आप लोग भी निकलो है ना। ये वीडियो लोगों को एक नया जीवन देगी आपकी जी। आज जो चेहरे पर एक पता ना आंसू थे, आज उस चेहरे पर खुशी है जी। ठीक है ना, बहुत बड़ी बीमारी की आपने जंग जीती है जी। ठीक है ना, का विज्ञान आपने जान लिया जी, जी। मानते हो ना, आज इसी चीज़ की खुशी है। ठीक है जी, पहले केवल दूध लेता था लेकिन अब आज चना खाते हो। भारत में जितने हिंदू हैं, हमारी गौ माता की रक्षा करें, इनकी सेवा करें। बहुत बड़ी बात बोली आप, बहुत अच्छी बात बोली आप, क्योंकि गौ हमारी माता तो है ही, भरण पोषण उसके साथ साथ ये जो शरीर है आज उसका इसका इलाज अब हमको जानकारी हुई। अब तो मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह अगर सभी लोग सचेत हो जाए तो शायद जीवन बच जाएगा, बच जाएगा, गरीबी में भी गुजारा हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं तो ये बीमारी के नाम से सब कुछ बर्बाद कर देंगे, मानते हो ना। बहुत बड़ा जीवन आपका गौ माता ने बचाया जी। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बता पा रहे हो गौ माता के बारे में। मैं तो काफ़ी दिनों से इसके बारे में बता रहा हूँ लोगों को, मेरा जीवन भी उन्होंने बचाया। ठीक है, तो आज गौ माता हम चाहते हैं कि हर, आपने कहा हिंदू जो भी हैं वो सभी लोग गौ माता को चाहे, सभी जाति, ठीक है, जो हिंदुस्तान में रहते हो हर जाति एक हिंदू ही है बस। ठीक, अलग अलग जाति सभी हिंदुओं के लिए है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। ठीक है, अपनी अपनी गौ माता को बचाएं, अपना अपना जीवन बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, ताकि किसी के सामने आपको हाथ फैलाना ना पड़े बस, किसी के सामने कर्ज ले लेना पड़े। तो आज जीवन बचाने वाली गौ माता है, जीवन देने वाली गौ माता। ठीक है, सही, ठीक है, प्रणाम। अरे